नमस्कार दोस्तों, जय माँ कामाख्या। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम लोग पूरी CSMI की टीम हमारे MD सर के साथ हम लोग अभी स्टेशन की ओर जा रहे हैं गुवाहाटी से। हम लोग पहले जाएंगे दिल्ली, दिल्ली से हम लोग जाएंगे अपने बर्फानी बाबा के पास अमरनाथ यात्रा पे। वहाँ से लौटने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे हमारे जो CSMI की प्राचीन हब्स की जो यूनिट है दिल्ली में, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो उसका भी हम लोगों को उद्घाटन करना है नई वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अभी हम जा रहे हैं स्टेशन। अब आगे का हाल हमको आपको मैं स्टेशन पर चल कर फिर दिखाऊँगा। हमारे साथ बने रहिए अंत तक। नमस्कार। अभी आप देख पा रहे हैं, जैसे हम लोग अभी कामाख्या स्टेशन पहुंच गए हैं। गुवाहाटी के कामाख्या स्टेशन से हम लोग की यात्रा शुरू हो रही है। तो ये हमारे यात्रा का पहला पड़ाव कह सकते हैं। तो हमारे CSMI की टीम, जैसे आप देख पा रहे हैं, सारे सामान हम लोग अभी अनलोड कर रहे हैं गाड़ी। आपको स्टेशन के अंदर का क्या हाल है और आगे आपको पूरे हमारी प्रक्रिया आपके आज से जो अब से जो यात्रा शुरू हो रही है और आपको अंत तक हम दिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। धन्यवाद। हमारी यात्रा शुरू होने वाली है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हम लोग पहले जाएंगे दिल्ली, दिल्ली फिर हमारी यात्रा होगी अमरनाथ के लिए, बाबा बर्फानी के लिए। वहाँ से फिर हम लोग लौट के आएंगे, तो फिर दिल्ली में हम लोग का कुछ स्पेशल प्रोग्राम है। हम जो हमारी CSMI की नई यूनिट जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसका भी उद्घाटन होना है। तो हमारे MD सर साथ में है, जो हमारे साथ चल रहे हैं अभी, तो वो वहाँ से लौटने के बाद उद्घाटन करेंगे। और अभी आप देख पा रहे हैं, हम लोग अभी कामाख्या स्टेशन पर खड़े हैं। ये हमारी ट्रेन है, ट्रेन से हम लोग अभी दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। तो आधा घंटा और बचा हुआ है साथियों हमारा ट्रेन छूटने के लिए, उसके बाद हम ट्रेन के अंदर क्या हो रहा है मैं आपको बताएंगे। धन्यवाद। जी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं गोरखपुर। गोरखपुर जा रहे हैं जी। आंटी नमस्ते। आप लोग आप भी जा रहे हो साथ में? आप लोग ओवर टू हमारे MD सर। MD सर इधर कैरी करोगे आप सर? अभी हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन छोड़ेंगे और 10 मिनट के बाद ट्रेन को, मतलब ट्रेन छोड़ना है, इधर से छोड़ देगा ट्रेन। तो इधर से हम लोग अभी बज रहा है 5:30। ये जर्नी होगा मिनिमम 35-36 घंटे का। हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे कल शाम 7-8 बजे पहुंचेंगे। तो बाबा अमरनाथ का आशीर्वाद है, देखते हैं। हम लोग बीच बीच में आप लोग को भी दिखाते रहेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है ये जर्नी में। आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। थैंक यू।
भी पहुंच चुके हैं। अभी आप कुसमी से लगभग गोरखपुर स्टेशन की दूरी 12 किलोमीटर की है, लेकिन फिर भी ये 12 किलोमीटर लगभग एक घंटे हो जाते हैं क्योंकि क्रॉसिंग रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। ट्रैफिक की वजह से यहाँ पर ट्रेनों को रोक दिया जाता है, जब सिग्नल खाली होती है, जब लाइन खाली होती है, जब प्लेटफॉर्म खाली होती है, तब इनको यहाँ से रवाना किया जाता है। तब तक आप एंजॉय कीजिए ये गोरखपुर छावनी स्टेशन को, अगले हम दिखाएंगे आपको गोरखपुर जंक्शन। धन्यवाद। गोरखपुर स्टेशन से क्रॉस करके अब फिर अपने कोच पे हम लोग पहुँच चुके हैं, और ये हमारे साथ हैं बाबूदा। ये बहुत आराम से एकदम शांत पे जब आपने बैठ करके मोबाइल देखे हैं, सुबह सुबह का माहौल है। और अभी आपने देखा गोरखपुर का सिटी, मैंने आपको पूरा एक्सप्लोर कराया। इसके बाद हम लोग चलेंगे बस्ती, इसका बाद अगला स्टेशन पड़ेगा बड़ा स्टेशन बस्ती। और बस्ती भी किसी गोरखपुर से कम नहीं है, क्योंकि बस्ती भी एक बड़ा स्टेशन है, तो बस्ती भी एक डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद बस्ती जिले का हाल। This is all you need. Be your everything. Yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel. Please just say it's real. More than just a thrill. Not just in it for the thrill. यात्रा कर रहे हैं। So finally हम लोगों का खाना आ गया। I'm in it for the love. God's love it needs to touch it. Your breath's in on my body. बस फाइनली अब देख लिया, आज हमारा अभी ये खाना आ चुका है। ये हम लोग अभी खाना खाने की तैयारी में हैं, तो इसमें खाने में क्या क्या आज दिखा देते हैं। तो आइए देखते हैं खाने में। ये आपको चावल मिलेगा, और ये दाल है, ये आलू की सब्जी है, ये पनीर की सब्जी है, और साथ में ये अचार। तो ये भाई साहब हमारे खाना लेकर आए हैं। देखिए भाई, ये खाना दिए हमें सर। मिर्ची नहीं है? मिर्ची मिर्ची नहीं सर, मिर्ची नहीं मिलेगी। पहले ये कह रहे हैं मतलब मिर्ची, मतलब पैकिंग खाना आता है, रेस्टोरेंट से आता है, कहीं रेस्टोरेंट से आता है ये। तो रेस्टोरेंट हमारे एमडी सर कुछ कह रहे हैं दाल और पनीर शायद की जो चावल का माल होता है, जो उसका चावल का पानी जो पानी होता है जिसको माड़ कहते हैं, उससे बना हुआ है। क्या बात सही है? नहीं सर, ये गलत है। बना खाते देखो रात के 10 बज चुके हैं, और ये अभी हम लोग कर रहे हैं डिनर। डिनर आज लोग अभी वेज बिरयानी लिए थे, लेकिन उसमें हम लोगों ने फिर डिसाइड किया नहीं हम एग बिरयानी खाएंगे, तो हमने एग बिरयानी लिया है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारी ट्रेन लगभग 7.25 घंटे लेट चल रही है, जो हमें यहाँ 6:45 बजे पहुँचना था स्टेशन पे। अभी जब हमने स्टेशन क्रॉस किया है, उस स्टेशन का नाम है मुरादाबाद जंक्शन, उसको हमने अभी जस्ट क्रॉस किया है, वो हमें 6:45 बजे पहुँचना था। अब पहुँचे 10 बजे। तो अगर इसी रफ्तार से अगर हमारी ट्रेन चलती रही, तो हमारा डेस्टिनेशन जो है आनंद विहार दिल्ली, वो हम पहुँचेंगे लगभग 1:15 बजे रात को। तो अभी इसके बाद जो अगला स्टेशन आने वाला है, वो स्टेशन आएगा हापुड़। आपको सब लोग जानते हैं, हापुड़ आएगी आपको 11:30 बजे, उसके बाद आएगी गाजियाबाद, फिर साहिबाबाद, फिर दिल्ली, मतलब 1:15 बजे 1 बजे हम दिल्ली पहुँचेंगे। उसके बाद हमारा वो लास्ट डेस्टिनेशन होगा दिल्ली के, वहाँ पहुँचने के बाद फिर तो मैं आपको दिखाऊँगा उसके बाद फिर उसके आगे फिर क्या करने वाले हैं। ठीक है,
डेस्टिनेशन था दिल्ली का, वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। ट्रेन काफ़ी लेट थी आज, लगभग 6-6.5 घंटे का लेट से है। हम लोग को यहाँ पहुँचना चाहिए था जबकि 6 बजे शाम में, अभी हम लोग लगभग अभी टाइम देख पा रहे हैं 1:30 बज रहा है। हम लोग रात के 1:30 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं, उतरे हुए हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग फिर टैक्सी करेंगे, तो हमारा जो होटल हमारा बुक है वहाँ जाएंगे। उसके बाद हमारा कल का प्रोग्राम यह रहेगा, हम कल फिर अपने ऑफिस जाएंगे। ऑफिस जाकर के वहाँ पर वो जो हमारे ऑफिस का उद्घाटन समारोह होगा वो करेंगे, वो होगा कल, पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद परसों सवेरे यहाँ से हम लोग महादेव के दरबार में बाबा बर्फानी अमरनाथ की यात्रा पर हम लोग चलेंगे। तो अब तक के लिए धन्यवाद जो हमारे साथ बने रहे, आगे का हर भी आपको हम दिखाएँगे। अभी आपको हम दिल्ली के पूरे शहर एक्सप्लोर कराएँगे, आप देखते रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।